हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेटा, क्लास टेंथ में जो कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इस कोरोना वायरस के कारण में हमारा रेगुलर क्लासेस, हमारा डाउट सेशन या हमारे बीच में जो एक लाइव इंटरेक्शन होते थे, वो सब रुके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम किताबों से पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और उसके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं, बट एक जो लाइव इंटरेक्शन होता है बेटा, जो आपके और हमारे बीच में होता है, वो हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। हम उसको अपने डाउट्स को, हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम बात करने की कोशिश करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसा भी डाउट हो। डाउट कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है ना, डाउट हमेशा डाउट होता है, मेरा ये मानना है। तो आपके डाउट जो रहते हैं या मेरे डाउट भी रहते हैं, जो मैं बीच में आपसे भी पूछा करता था, ये सब चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। अब जो रिसेंट पोजीशन है हमारे सिलेबस का, तो आप सभी को पता है कि CBSE ने अपने कोर्स में कुछ पोर्शंस रिड्यूस किए हैं बेटा, केमिस्ट्री में पूरा पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। हम सिर्फ उस चैप्टर में आने वाले कुछ पोर्शन को ही CBSE ने रिड्यूस किया है, जो कि आपके क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए। जैसे अगर आप देखें, अगर आप अपना बुक उठाएं, किसका बेटा NCERT का, देखो ये मैंने भी रखा हुआ है, कि अगर आप ये बुक उठाते हैं और चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। कंप्लीट चैप्टर 1 हमको तैयार करना है बेटा, कंप्लीट चैप्टर 2 हमको तैयार करना है बेटा, इसमें हमको कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। केवल दो ही चैप्टर हैं जिसमें से पोर्शंस रिड्यूस हुए हैं, एक है चैप्टर नंबर 3 और दूसरा है चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से लेकर के प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दैट मींस पेज नंबर 37 से पेज नंबर 48 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। इसको आपको तैयार करना है, दैट मीन्स मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिड के साथ कैसा बिहेवियर है, बेस के साथ में कैसा बिहेवियर है, इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं, इन सब पोर्शन जो है वो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी शामिल है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस पोर्शन नहीं हुआ है। रिड्यूस पोर्शन जो है बेटा, अगर वो आप देखेंगे तो मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग और कोरिजन, ये पोर्शन हमको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स अगर आप देखें तो पेज नंबर 45 से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, यहाँ पर से हमारा पोर्शन क्या हो गया है बेटा, रिड्यूस हुआ है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब ही यही होता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन है कि आप ओर्स एंड मिनरल्स, इनको आप जरूर तैयार कर लेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओर्स और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। 2 या 3 पॉइंट्स में ही ये डिफरेंस हमको मिलता है, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ये हम तैयार कर लें। उसके बाद में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं, जिसमें अगर आप देखें
तो ओर्स, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमको दिया हुआ है। तो ये सब के सब क्या है, एक्सट्रैक्शन, जितने भी एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स हैं वही हमारे क्या हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस है। ये हमको तैयार नहीं करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हो कि ये इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपके पास में पहुंच चुके हैं बेटा मेरे। तो ये जो वीडियोस हैं एक्चुअली में क्लास टेंथ से तो निकाल दिया है, बट यही पूरा एक चैप्टर बेटा हमारे क्लास ट्वेल्थ में भी होता है। अगर आप साइंस लेकर के क्लास ट्वेल्थ में आ रहे हैं तो एक चैप्टर होता है जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, आइसोलेशन। तो ये एक पूरा चैप्टर हमारे क्लास ट्वेल्थ में होता है। अगर आप साइंस लेने वाले हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस चैप्टर पे जो ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं उसको आप ज़रूर एक बार और रिवाइज कर लें, क्लास टेंथ बोर्ड के लिए नहीं। लेकिन अगर आप क्लास ट्वेल्थ में आना चाहते हैं और साइंस लेकर के आ रहे हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा बेटा कि थोड़ा सा हमको इनिशियल आइडिया हो जाता है और क्या है, मिनरल क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, जो हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं उसके मेथड्स क्या हैं, रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये सब की जानकारी हमको किस में हो जाएगी, इस लेक्चर में हो जाती है। तो हमारा क्लास ट्वेल्थ में जब आप पहुंचेंगे 2 साल के बाद में साइंस लेकर के, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार देख लें, लेकिन क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमको उसको प्रिपेयर नहीं करना है। आपकी यूटी में जो चैप्टर 2 आएगा उसमें ये पोर्शन से क्वेश्चन नहीं होंगे। यूटी वाले में मैंने चैप्टर 1 एंड 2 रखे हुए थे, है ना, तो चैप्टर 1 एंड 2 में जो अभी सैंपल पेपर किया है बेटा उसमें तो ये पोर्शन है नहीं, ये तो पूरा का पूरा हमको तैयार करना है। UT 2 में चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 3 में जो UT 2 के पेपर्स बनेंगे उसमें ये पोर्शन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको उसको तैयार नहीं करना है। यूटी के लिए भी तैयार नहीं करना है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं करना है, बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इसको तैयार एक बार देख सकते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लिख करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लें और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे को समझ में आ जाए, बस उतना काफ़ी है, आगे क्लास ट्वेल्थ में ये काम दे देगा बेटा। एक तो ये एक्सट्रैक्शन की बात हो गई बेटा, फिर दूसरा जो पोर्शन हटाया गया है वो है कोरिजन। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा पोरिजन के छोटा सा पोर्शन है, और बड़ा पोर्शन किस में है, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 1 से कोरिजन हटाया नहीं है और चैप्टर 3 में से कोरिजन हटा दिया है। अब आप ध्यान दो कि भाई सिल्वर में का ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाना, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होना, आयरन में ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाना, ये सब कोरिजन के ही तो एग्जाम्पल्स थे जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें भी आ जाता है बेटा। सो माय सजेशन इज कि कोरिजन के कुछ जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको अभी 3 बोले, कौन से 3 बोले बेटा, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का बनना जिसको हम रस्ट कहते हैं, फिर उसके बाद में कॉपर का ग्रीन कलर की कोटिंग, बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके केमिकल रिएक्शंस को हम चैप्टर 1 में तैयार करें, चैप्टर 3 के लिए तैयार ना करें, इसके लिए करें चैप्टर 1 के लिए तैयार करें। बट प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन में जो सबसे ज़्यादा एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा वो है एलॉइंग, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन में ही आ गया है।
आप इसमें एलॉयस के बारे में इनिशियल फॉर्म इंफॉर्मेशन दे दो कि व्हाट इज एलॉय, ऑलरेडी आपके पास में इसका लेक्चर है तो एलॉय क्या है, क्यों बनता है, इसके बारे में वीडियो है आपके पास में, आप इसका एक इनिशियल इंफॉर्मेशन ले लेना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बेटा, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कि कई बार बोर्ड में चैप्टर 3 के कुछ पॉइंट जो चैप्टर 1 में रिलेटेड हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो हमने तो छोड़ दिया कि ये चैप्टर नंबर 3 का है, लेकिन वही पोर्शन छोटा सा ही सही कहाँ पर है, चैप्टर 1 में है बेटा। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें और इसको तैयारी कर लें तो ये अच्छा रहेगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 में जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है उसके बारे में। अब देखो चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है कार्बन, उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है हमारे पास। अब इसमें कार्बन की वर्सटाइल नेचर, कार्बन का कुछ कंपाउंड्स, उनके नॉमेनक्लेचर, ये सब के बारे में ये चैप्टर था। इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। और कहाँ तक लेकर के रखा बेटा चैप्टर 4 को? अप टू दी होमोलोगस सीरीज। यानी कि अगर मैं उठाऊँ पेज नंबर 58, तो बॉन्डिंग इन कार्बन ये हमारे सिलेबस में है, उनके डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा वो हमारे चैप्टर में है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ये भी हमारे सिलेबस में है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये भी है बेटा, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, चेन ब्रांच एंड रिंग्स ये भी हमारे चैप्टर में है बेटा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है बेटा, होमोलोगस सीरीज हमारे चैप्टर में है बेटा। यानी कि पेज नंबर 66 तक जितने भी पोर्शन हैं वो हमारे चैप्टर में हैं। खास तौर से ध्यान रखिएगा 67 में एक्टिविटी 4.2, यहाँ तक हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में है। फिर उसके बाद में नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको निकाल दिया गया है बेटा। जैसे कि मेरे पास में एक इसका रिड्यूस फॉर्म है, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्किन्स एंड एल्काइन्स, ये हटा दिया है। डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये भी हट गया है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबर्जन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। अब जब मैं ये लेक्चर आपको बना रहा था तब मैंने आपको बोला था कि बेटा ये चैप्टर 1 से भी रिलेटेड है ना, कंबर्जन रिएक्शन चैप्टर 1 में भी है, C+O2 हम इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और एक्सेस में कंबर्जन भी बोलते हैं बेटा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ा ही है चैप्टर 1 में, रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ा है बेटा, और एडिशन रिएक्शन तो नहीं पढ़ा था लेकिन यहाँ पर हमने दो टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का जोड़ना हमने पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं था बेटा चैप्टर 1 में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जो कि मेटल से रिलेटेड था। तो इसमें इसकी तैयारी करने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इसमें भी देखो ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये पोर्शन भी रिड्यूस कर दिया गया है। सोप एंड डिटर्जेंट ये पोर्शन भी रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से लेकर के आप जब लास्ट में आते हैं पेज नंबर 76 में, है ना, नॉमनक्लेचर है पेज नंबर 67 और ये जो लास्ट है वो है 76 पेज नंबर, यहाँ तक का मेरा पोर्शन क्लास 10 में रिड्यूस कर दिया है। चैप्टर 5 में से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, चैप्टर 5 हमको पूरा का पूरा पढ़ना है बेटा। अब थोड़ा सा बात हम चैप्टर 4 के बारे में भी करेंगे कि चैप्टर 4 में से नॉमन प्लेचर और उसके आगे का पूरा पोर्शन तो हटा दिया है पेज नंबर 67 टू पेज नंबर 76 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब अगर ये हटा दिया है तो हमको बोर्ड के लिए तो इसको नहीं पढ़ना है,
लेकिन ऑलरेडी इसकी वीडियो आपके पास में गए हुए हैं बेटा, क्योंकि एज पर माई नॉलेज कि अभी तक आपके पास में लेक्चर नंबर 22 तक पहुंच गया है, इसके बाद का दो ही लेक्चर के वीडियोस हो गए, फिर ये चैप्टर भी फिनिश है। तो हम क्या करें कि क्या हमारे लिए आगे फर्दर कुछ इम्पोर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है? तो बेटा इसका आगे फर्दर इम्पोर्टेंस है, क्लास 11 साइंस अगर आप लेते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स लो या बायोलॉजी लो, केमिस्ट्री कॉमन है बेटा। तो यहाँ पर जब आप लेते हो तो हमारे क्लास 11 में ऑर्गेनिक पोर्शन का पहला ही चैप्टर वो होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड, नॉमनक्लेचर, इनके बारे में स्टडी करते हैं, इससे ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो अगर आप क्लास 11 में साइंस लेने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसकी एक इनिशियल इंफॉर्मेशन, एक इनिशियल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नॉट फॉर क्लास 10th बोर्ड, इट इज़ फॉर योर नॉलेज ओनली। तो आप इतनी की तैयारी कर लें बेटा कि हमारे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। रिपीट वंस मोर, चैप्टर 1 कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, कंप्लीट तैयारी करनी है। चैप्टर 2 कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है, कंप्लीट तैयारी करना है। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद में पूरा पोर्शन रिड्यूस है, आपको केवल आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तक ही पढ़नी है। चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, और उसके बाद का पूरा जो चैप्टर है वो क्या है, पोर्शन रिड्यूस है। चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, ये पूरा चैप्टर ही हमको पढ़ना है, इसमें कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। टोटल जो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पोर्शन आएंगे बेटा वो 26 मार्क्स के आएंगे, 5 चैप्टर 26 मार्क्स। पहले एक बड़ा चैप्टर चैप्टर 4 होता था, चैप्टर 3 होता था। तो एक्चुअली में अब किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये देखना पड़ेगा, जब सीधे ब्लू प्रिंट आएगा बेटा हमारे पास में CBSE में, तो और ज़्यादा क्लियर होगी बातें। लेकिन हमने तैयारी तो करनी है बोर्ड एग्ज़ाम की, इसलिए अभी जो समय मिल रहा है, अभी जो मौका मिल रहा है, ठीक है हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ये व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके हम इसमें हम बात कर सकते हैं। तो जब कभी आपको लगे कि आपको मेरे से कोई क्वेश्चन करना है, कोई डाउट पूछना है, या किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न है अबाउट सिलेबस, अबाउट प्रिपरेशन, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास में है, तो आप जो है कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन बेटा बस समय का ध्यान रखना कि लेट नाइट कॉल नहीं करना, 10 बजे आप कॉल कर रहे हैं, 9 बजे कॉल कर रहे हैं, आप इवनिंग 7 o'clock तक आप कॉल करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा बेटा। तो थोड़ा सा अब हमको समय ऐसा भी है कि फिज़िकली एंड मेंटली हमको थोड़ा सा भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक बोर्डम भी चालू हो जाता है। छुट्टियाँ छोटी अच्छी लगती हैं, बड़ी छुट्टियाँ कुछ समय के बाद में बोर लगने लगती हैं कि हम कितना टीवी देखेंगे, हम कितने मोबाइल गेम्स खेलेंगे, हम कितने वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, रहना घर में है तो कहीं ना कहीं ये बोर्डम है। जहाँ आप बोर्डम फील करना स्टार्ट करोगे आपकी स्टडी में थोड़ा सा इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। सो जस्ट ट्राई टू लर्न न्यू समथिंग, कुछ तो नया हम सीखने की कोशिश करें। जहाँ हम थोड़ा सा नया सीखने की कोशिश करेंगे हमारे पास में ये चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी। सो इस समय पर, इस मुश्किल समय पर हम भी मुश्किल में हैं, आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो इस मुश्किल समय में जब तक हम एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे बेटा, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज, बेस्ट ऑफ लक जब तक आपके ये स्कूल ओपन नहीं होते हैं, तो अच्छे से तैयारी करें,
कोई भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सअप करें, आप मेरे को कॉल करें। इसका एक डिटेल पीडीएफ भी आपके पास में आ जाएगा बेटा, कि किस किस पेज से किस पेज तक हमारा कौन से टॉपिक्स निकले हुए हैं एंड कौन से क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं, इसके भी आपके पास में एक पीडीएफ आ जाएगा बेटा, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें और क्लास टेंथ बोर्ड में हम एक अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें।